हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपक क्लासेस, और मुझे लगता है कि आप अभी आपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर करा होगा। ठीक है सर, तो आप हम आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सर। मैं हूँ दीपक, और मैं मेनली CMA से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, प्योर CMA से रिलेटेड, मतलब स्पेसिफाइड फॉर CMA। ठीक है जी, और मैंने फाउंडेशन की काफ़ी वीडियो बनाई है, इंटरमीडिएट की भी वीडियो आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर, हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वो स्टूडेंट जो फाउंडेशन में पास हो गया है या फाउंडेशन में पास अभी रिजल्ट आने वाला है उसका, और वो पास हो जाता है, उसको लगता है कि हम पास हो जाएंगे तो हम इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन जाएंगे। अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन जाएंगे तो मैंने आपसे लिए कुछ चीज़ें लाई है जो हमें कन्फ्यूज करती है चीज़ें, कि सर सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे इंटर बोथ ग्रुप में, है ना, दोनों ग्रुप में सब्जेक्ट क्या होंगे। जैसे आप, हमें पता है कि इंटर लेवल पे हमारे दो ग्रुप रहते हैं, ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में चार सब्जेक्ट होते हैं, वो चार सब्जेक्ट कौन से होंगे, ग्रुप वन में कितने होंगे, ग्रुप टू में कितने होंगे। दूसरी बात, पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा इंटरमीडिएट का। जैसे फाउंडेशन का आपका कुछ पासिंग क्राइटेरिया था, ऐसे ही इंटरमीडिएट लेवल का पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा पॉइंट नंबर टू ये है कि हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, पासिंग क्राइटेरिया। दूसरा, हमें सब्जेक्ट देखने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट इंटर बोथ ग्रुप में है जो हमें पढ़ना है आप आगे जाकर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट हमारा, पासिंग परसेंटेज ऑफ इंटर सिंगल और बोथ ग्रुप। सर अभी तक का पास्ट में, सर अभी तक का क्या पास्ट में क्या पासिंग क्राइटेरिया, मतलब क्या पास परसेंटेज रहा है, पासिंग परसेंटेज क्या था इंटरमीडिएट, वो भी आपका जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट में सिंगल और बोथ ग्रुप दोगे, पास्ट में क्या पासिंग क्राइटेरिया था, कितने पासिंग परसेंटेज आया करते थे, वो हम जानने की कोशिश करें। सिंगल के अलग आते हैं सर, ग्रुप वन के अलग आते हैं, ग्रुप टू के अलग आते हैं, और बोथ ग्रुप के आपके अलग परसेंटेज आते हैं कि कितने बच्चे में से कितने परसेंटेज बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं। ठीक है, हालांकि आपको बता देता हूं सर, अभी तक फाउंडेशन के अंदर आपका 75% तक रिजल्ट रहा है पिछले तीन अटेम्प्ट तक। अब आप देखते हैं कि आगे कितना रहता है, होपफुली 75 अप्रोक्स ही रहेगा। ठीक है सर, बाकी आप बात करते हैं कि भाई तीसरा पॉइंट हमने करना है कि भैया क्या पासिंग क्राइटेरिया, पास परसेंटेज था अभी तक का, कितने बच्चे कितने परसेंटेज बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे परसेंटेज बच्चे फेल हो जाते हैं, बोथ ग्रुप वाले दोनों एक साथ देंगे तब क्या होगा, और सिंगल ग्रुप देंगे तब क्या परसेंटेज रहता है, कैन आई गिव सिंगल और बोथ ग्रुप। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहती है सर, क्या मैं एक ग्रुप दूं या दो ग्रुप दूं, दोनों एक साथ दूं या सिंगल दूं। उसके लिए भी कुछ एग्जम्पशन क्राइटेरिया है, एग्जम्पशन क्राइटेरिया क्या है, अगर सिंगल ग्रुप दोगे तो क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है इंस्टीट्यूट द्वारा, अगर बोथ दोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, एग्जम्पशन क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि यार सर हम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रीफर करें या फेस टू फेस कोचिंग क्लासेस प्रीफर करें, सर ये तो डिसाइड आपको ही करना है। ठीक है सर, बाकी बातें तो मैं एक से लेकर पांच तक मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो हमारे साथ बने रहिए सर। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो, मैं ऐसा कहूंगा कि वीडियो जरूर देखो पूरा। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट इन इंटर बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे जो हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारी बातें, पांचों की पांचों, छठे की छह बातें क्लियर करेंगे, और कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा इस बारे में कि कैसे, फिर हम एक वीडियो लेके आएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, भाई कौन कौन सा हमारा सिलेबस था, सिलेबस कैसा है हमारा, है ना, क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे अकाउंट्स में हमारा क्या पढ़ना है, है ना, अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या आसान है, क्या हम खुद भी कर सकते हैं इसको, क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, हमें क्लासेस ही लगानी पड़ेगी, तो ये भी मैं इसके लिए वीडियो बनाएंगे आगे जाकर। पहले आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन पांचों या छह बातों को डिस्कस करते हैं सर। क्लियर है सर, तो स्टार्ट करें। ओके, तो देखो सर हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हमारा आज का टॉपिक, सबसे पहले का टॉपिक है, तो दोस्तों इंटरमीडिएट में हमारे दो ग्रुप है और हर एक ग्रुप के अंदर चार पेपर है। ठीक है सर, तो हमारे जो इंटरमीडिएट ग्रुप के अंदर, ग्रुप वन के अंदर, देखो मैंने कहा दो में मैंने बांट दिया है, देखो ग्रुप वन और ग्रुप टू, जिसके अंदर हमारा पेपर नंबर 5 से स्टार्टिंग है। देखो आपने फाउंडेशन अभी क्लियर करा, अगर फाउंडेशन आपने क्लियर करा या बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री हुई है, बीकॉम से डायरेक्ट एंट्री हुई है, तो उसके लिए फाउंडेशन एग्जम्प्ट रहा होगा सर, और अगर फाउंडेशन आपने पेपर दिया है तो उसके अंदर चार पेपर अभी आप देख रहे हो। आपको पता होना चाहिए सर कि इंटरमीडिएट लेवल के अंदर, सॉरी पूरे CMA के अंदर आपको 20 पेपर देने हैं, जिसके अंदर हमने चार पेपर फाउंडेशन के कंप्लीट कर लिए होंगे या कंप्लीट कर लेंगे,
दूसरा पेपर नंबर 5, 6, 7, 8, जैसे पेपर नंबर 5 जो है वो उसका पेपर पहले होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट का डेट शीट हमेशा फिक्स रहती है, इसका मतलब जो पेपर पहला है पेपर नंबर पांचवा वो पहले पांचवे टाइम पे ही होगा। तो हमारा ग्रुप वन के अंदर पेपर नंबर 5 क्या कहता है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स है, ठीक है। ग्रुप पेपर नंबर 6 कौन सा है, लॉ एंड एथिक्स है। पेपर नंबर 7 आपके पास डायरेक्ट टैक्स है, इसको प्यार से हम इनकम टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स। पेपर नंबर 8 आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें आपने फाउंडेशन में भी कॉस्टिंग पढ़ी थी थोड़ी बहुत, उसका बेसिक, ठीक है। पेपर नंबर 9 आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, OMNSM इसको प्यार से कहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। पेपर नंबर 10 आपके पास कौन सा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफ मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बिजनेस में आपने पढ़ा था ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड, तो जो डिसीजन आपने पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, 12वीं क्लास की बिजनेस के अंदर पढ़ा था, तो वो हम डिटेल में वहां पर बात करेंगे। तो बहुत ही छोटा बेसिक है यहाँ पर, तो बहुत चीजों में शेयर में सब कुछ बातें करेंगे, डिविडेंड वगैरह में। कॉस्टिंग आपका वही है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है यार, उसमें थोड़ा एडवांस लेवल यहाँ पर दे रखा है। आगे आपका पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स, देखो डायरेक्ट टैक्स हमारा ग्रुप 1 में था और इनडायरेक्ट टैक्स हमारा ग्रुप 2 में है, जिसको हम प्यार से जीएसटी कहते हैं, इधर क्या कहते हैं प्यार से, इनकम टैक्स कहते हैं। और लास्ट हमारा पेपर जो है ग्रुप 2 का कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट है, कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट। कंपनी अकाउंट एक अकाउंट्स है, ठीक है। ऑडिट मतलब है अकाउंट्स का ऑडिट कैसे, चेकिंग वगैरह जो होती है वो ऑडिट कब कब, थ्योरी सब्जेक्ट है। अब सर ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास टोटल कितने पेपर है सर, टोटल हमारे पास 8 पेपर, टोटल हमारे पास 8 पेपर है, 4 ग्रुप 1 में है और 4 ग्रुप 2 में है। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप 1 का पेपर 400 नंबर का आएगा, 400 मार्क्स का आएगा, और ग्रुप 2 का पेपर भी 400 मार्क्स का है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का 400 मतलब हर एक पेपर में 100 नंबर का, हर एक पेपर 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, पहली बार। अब एक बार ध्यान सुना, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक वीडियो बनाऊंगा, इसका प्योर सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस कैसे है और हमें कि सच्ची में इसको हम खुद से कर सकते हैं या हमें कोचिंग लगानी पड़ेगी, इसकी वीडियो बनेगी, ठीक है, अलग से। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, डिटेल में इन द सेंस कि सिलेबस को हम कौन सा हम पढ़कर आ चुके हैं। जैसे इसके अंदर एक चैप्टर है स्टडी नोट नंबर जिसे हम कहते हैं, चैप्टर को एक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप आप 12वीं के अंदर पढ़ चुके हो, जैसे जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट जो कि आप 12वीं के अंदर पढ़ चुके हो, ये दोबारा इंटरमीडिएट में है। अच्छा सर, तो हमने कहा पेपर नंबर 5, 6, 7, 8, अब ये को पेपर नंबर 5 हमारा अकाउंट्स है, पेपर नंबर 6 हमारा लॉ एंड एथिक्स है, जो कि एथिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस ये थोड़ा एडवांस लेवल होगा उसका, ठीक है। इंटरमीडिएट में जो चैप्टर थे वो तो है ही, उसके एडवांस लेवल तो है ही, साथ में और ज्यादा है। जैसे इंटरमीडिएट में आप जो सिलेबस पढ़कर आए हो वो यहाँ पर सिर्फ 30 नंबर से ज्यादा नहीं है, 30 नंबर 70 नंबर नया आएगा यहाँ पर, ये बातें मैं आपको बता दूं। अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर लोगे या कर लिया है तो मेरी एक बात ध्यान सुनना सर, जब मैं आपको पास्ट के पासिंग परसेंटेज दिखाऊंगा पास होने के लिए, आप देखना डर जाओगे, क्योंकि भैया हमारे 75% था अकाउंट फाउंडेशन के अंदर, मतलब अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 75 पास हो जाएंगे, अगर 1000 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 750 पास हो जाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट आता है 9%, 10%, 12%, 18%, बस इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आता। इसका मतलब 100 बच्चों में से 18 बच्चे पास होंगे, आर देख रहा है, मैं अभी पासिंग परसेंटेज दिखाऊंगा सारे अटेम्प्टों का, तो आप देखना कैसा पासिंग परसेंटेज है हमारा, ठीक है। तो अब अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ गए हैं तो हमें बहुत पढ़ना है सर, फाउंडेशन में जो पढ़ा था उसकी डबल मेहनत करनी है इंटरमीडिएट लेवल पर। सिंगल ग्रुप वालों और डबल ग्रुप वालों तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अब वो क्या होगा वो आप में देखेंगे। देखो आपको सिलेबस पता चला थोड़ा बहुत कि देखो हमारे 8 पेपर है, हमारा अकाउंट्स भी रहेगा, लॉ भी रहेगा, एक कॉस्टिंग रहेगी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन में एक डायरेक्ट टैक्स आएगा, इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स हमारा नया पार्ट है और हमें सीखना है आगे टैक्सेशन में हम कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम टैक्स पे करेंगे, ये हमें पता लगाना है इसके अंदर। ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी है वो OMNSM में पक्का 70-80 नंबर ले आता है, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट मैथ नहीं है सर, ये मैथ नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि बिजनेस प्रॉब्लम होगी अलग अलग, उस बिजनेस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम डिसीजन देंगे। मेनली मैथ यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, मैथ यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, मैथमेटिक्स का थोड़ा बेसिक लेवल आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मैथ मैथ कुछ नहीं आती वैसे, कॉम्बिनेशन परमुटेशन वैसी मैथ नहीं, मैथ मतलब बेसिक यूनिटरी मेथड वगैरह है ना, ये बेसिक आएगा आपको। कॉस्ट एंड एफएम का मैं आपको बता दूं, देखो कॉस्टिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं डियर, कॉस्टिंग के अंदर जाओ यहां पर अकाउंट कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना 100 मार्क्स में,
100 मार्क्स में कॉस्ट अकाउंटिंग जो पढ़ोगे उसका 50 मार्क्स यहाँ पर आएगा। तो दो पार्ट है, कॉस्ट यहाँ पर 50 मार्क्स का आएगा, एफएम यहाँ पर, एफएम मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ पर 50, मतलब दो पार्ट में पेपर रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए कॉस्ट का 50 मार्क्स और सेक्शन बी कॉस्ट का। अच्छा यहाँ पर तीन चार चैप्टर यहाँ पर जो होंगे वो यहाँ पर दोबारा दे देगा, मतलब ये आसान होता है ग्रुप वालों के लिए, मतलब जो यहाँ पढ़ लिया वो यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता, सेम सेम होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपको जीएसटी, जैसे आपने देखा होगा जीएसटी बहुत सुना होगा, जीएसटी बहुत सुना होगा, इसमें महारत हासिल करेंगे जीएसटी के अंदर। जीएसटी के अंदर आप इतना अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल है जीएसटी के अंदर, ठीक है। एक अकाउंटेंट, एक सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जीएसटी का ऑडिट कर सकता है एज ए पावर टू ऑडिट द जीएसटी, ठीक है, अंडर जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंपनी अकाउंट है, कंपनी अकाउंट के अंदर देखो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पार्टनरशिप आया था, ठीक है। यहाँ पर कंपनी अकाउंट में था कंपनी, याद है आपको बारहवीं के अंदर आपने पढ़े थे इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने नहीं पढ़ा था वो आप पढ़ाएगा, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ शेयर पढ़ा था आपने, है ना। और मेनली आपने पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको, और मेनली आपने क्या पढ़ा था रेशियो, सारे यहाँ पर आएगा कंपनी अकाउंट के अंदर। ऑडिट कंपनी अकाउंट आपका 50 मार्क्स का है तो इस बार अकाउंटिंग उन्होंने कम कर दिया और ऑडिट यहाँ पर दे दिया 50 नंबर। ये पूरा थ्योरी, ये पूरा का पूरा आपके पास थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू लिया कि हमारे पास जो 8 सब्जेक्ट है उनको सारे सब्जेक्ट 100 नंबर का है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर बहुत बेनिफिट वाली बात यह है कि इसके अंदर 25 नंबर के आपको एमसीक्यू फिलअप, अब शायद पैटर्न चेंज हो जाए उसका मैं कह नहीं सकता, बट जब मैंने दिया था तब भी ऐसा आता था एमसीक्यू फिलअप और आपके पास ट्रू फॉल्स और आपके पास यहां पर आएगा मैचिंग। जब मैंने एग्जाम दिया था और मैंने जब क्लियर करा था तब मेरा एमसीक्यू फिलअप ट्रू फॉल्स मैचिंग वगैरह आते थे 25 नंबर के, हालांकि अभी भी आते हैं 25 नंबर के। तो मेनली आपके जो क्वेश्चन बटे 75 नंबर का सब्जेक्ट है, बाकी आपके पास ट्रू फॉल्स, इसमें अगर आप 25 महारत हासिल कर लेते हो तो हमें सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 चाहिए। वो अभी मैं सेकंड पॉइंट है मेरा कि पास होने के लिए कितना क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 75 सब्जेक्ट ही रहेगा, बाकी एमसीक्यू थोड़ा इजी हो गया है ना, इसके अंदर भी रीजन नहीं देना, जबकि आप रीजन के लिए बहुत कहते हैं कि रीजन देना नहीं देना, किसी के अंदर रीजन नहीं देना, पूरे 8 के 8 पेपर के अंदर आंसर लिखना है, आंसर लिखते ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा ये तो बात की बात है सर, बाकी हमें डिस्कस करना है कि हमारा जो सिलेबस था हमने आपको बता दिया कि सिलेबस कुछ ऐसे रहेगा। अब सिंगल ग्रुप वालों को भी और डबल ग्रुप वालों जो दोनों दे रहेगा, आपको 8 पेपर देना, सिंगल वालों को 4 देना। अच्छा बड़ी एक दुविधा है कि सर पहले कौन सा ग्रुप दे, ग्रुप 1 या ग्रुप 2? सर हाँ मैं आपको एक बता दूं, आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, ग्रुप 2 भी दे सकते हो। तो हम पहले कौन सा ग्रुप दे, तो मेरी प्रिफरेंस है सर, मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले आप ग्रुप 1 दीजिए, क्योंकि जब उसमें एक नया चैप्टर आता ना टैक्सेशन आ गया, कॉस्टिंग के अंदर आ गया, तो देखो आप जब ग्रुप 2 दोगे ना, तो ग्रुप 2 दोगे, मेरी बात समझना, देखो लॉ और एथिक्स तो है नहीं, ठीक है, इस तो आपको चलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ग्रुप टू देने में, इसमें आप आराम से अच्छा कर लोगे। कॉस्टिंग में आप थोड़ा प्रॉब्लम कर जाएगी, क्योंकि एफएम कर लोगे कॉस्ट में प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि नया नया आएगा और बच्चे जो बैठे होंगे आपके साथ पढ़ने के लिए वहां पर फेस टू फेस क्लासेस के अंदर जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पर ये समझ कर पढ़ाते हैं कि आप ग्रुप 1 के पेपर दे चुके हो ग्रुप 2 में, तो मतलब कॉस्टिंग आपने ग्रुप 1 में पढ़ी होगी तो वहां पर खींच कर ले आते हैं, यहां पर मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जल्दी से ले जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे से मिले सारे टीचर मेनली जो है, ठीक है। बाकी अलग अलग टीचर का अलग अलग सिस्टम रहता है सर, मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, कॉस्टिंग के अंदर मैं प्रेफरेंस दूंगा कि जो कॉस्टिंग आप ग्रुप 1 में पढ़ोगे डिटेल में वो ग्रुप 2 में नहीं पढ़ सकते सर। ग्रुप में 50 मार्क्स की और यहाँ पर 100 मार्क्स की, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ग्रुप 1 दीजिए अच्छे से क्लियर करिए फिर ग्रुप 2 दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि पहले ग्रुप 1 देना चाहिए, अगर जो सिंगल दे रहे हैं जो 2 दे रहे हैं तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिंगल ग्रुप देंगे वो ग्रुप 1 पहले देना सर। उसमें क्या होगा, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स मिलेगा, बेसिक नॉलेज टैक्सेशन कहते किसे उसका बेसिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर समझ के यहाँ पर जब हम टैक्सेशन पढ़ते हैं जीएसटी तो ये समझ लेते हैं कि टैक्सेशन की थोड़ी बहुत बातें आपको पता होगी, ठीक है। जबकि अगर आप ग्रुप 2 दोगे डायरेक्ट तो यहाँ पर कोई भी कहेगा कि भाई पता होगा, पर ग्रुप 2 में वो बच्चा जो ग्रुप 2 दे रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, पिछले का हमने तो ग्रुप 1 पढ़ा ही नहीं, इसलिए प्रिफरेंस सारी है सारे ही बच्चे ग्रुप 1 गया करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ना बेसिक लेवल फाउंडेशन का कुछ जुड़ा होता है उसके अंदर, फाउंडेशन की बातें भी कुछ जुड़ी होती है। जैसे लॉ एंड एथिक्स जब पढ़ोगे तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास करने में आपने दिसंबर में आपका टाइम आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया है सर। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अभी हमारा पेपर जैसे 21 फरवरी को हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप जून अटेम्प्ट नहीं दे सकते। फाउंडेशन क्लियर करने के बाद 8 महीने का समय होना चाहिए इंटर ग्रुप देने के लिए, पहला ग्रुप, दूसरे ग्रुप नहीं, एक ग्रुप या दोनों ग्रुप। अच्छा 21 फरवरी के बाद, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारे 31 जनवरी को क्लोज हो जाते हैं, तो आपके लिए
जो बच्चों ने दिसंबर वाला पेपर दिया है, जिस दोस्तों ने दिसंबर वाला पेपर दिया है अभी दिसंबर 19 वाला, वो अब फाउंडेशन में अगला दिसंबर ही इंटर दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, ग्रुप वन भी और ग्रुप टू भी, जो सा आपको मन करे वो दे दो या दोनों दे दो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट जून अटेम्प्ट नहीं मिल सकता आपको, आ रहा है समझ में? अब ये क्यों होगा कि जून अटेम्प्ट क्यों नहीं मिल सकता, इसका रीजन मैं भी नहीं बता सकता, इसका इंस्टीट्यूट है, क्योंकि 31 जनवरी हमारी लास्ट डेट होती है जून अटेम्प्ट वालों के लिए। क्लियर है? जो बच्चा जून में पेपर दे दिया, जून 19 में जिसने पेपर दे दिया, वो जून अटेम्प्ट देगा अगला, उसके लिए भी आठ, देखो हमारे लिए भी आठ महीने हैं दिसंबर से दिसंबर, उसके लिए भी आठ महीने जून से जून। अच्छा, जून 19 वाला बच्चा दिसंबर में इंटर नहीं दे सकता, दिसंबर 19 में, बीच में तो दे सकता है इंटर में, तो हम यहाँ पर इसके बाद में डिस्कस है, बाद में मैंने आपको बता दिया फिर भी। और मैंने आपको ये कहा कि सर पहले ग्रुप वन को देना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने पहला अपना टॉपिक कवर करा कि हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, आठ सब्जेक्ट है, टोटल आठ में से हमारा अकाउंट भी रहेगा, लॉ भी रहेगा, हमारा अकाउंट्स लॉ कॉस्टिंग और टैक्सेशन के दो सब्जेक्ट रहेंगे, इंटर ग्रुप वन में एक इनकम टैक्स और दो जीएसटी, हमारा OMSM कॉस्टिंग FM रहेगा और कॉस्ट एंड ऑडिट कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट रहेगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट की डिटेल मैंने आपको थोड़ी ओवरव्यू दी है, जिसको आपको पढ़ना है ग्रुप इंटर ग्रुप वन में और ग्रुप टू में। अब देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम पास करें, क्या हमें एलिजिबिलिटी है कि इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे मिनिमम पास होने के लिए, ठीक है? तो सर हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अब देखते हैं। जैसे कि आपने पेपर, पहले मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ग्रुप वालों के लिए, पहले मैं सिर्फ सिंगल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, आप भी देखिए डबल ग्रुप जो जिन्हें थान रखे मैं डबल ग्रुप ही दूंगा, पहले सिंगल का भी देख लें, फिर वो भी डबल ग्रुप में अप्लाई होता है, ठीक? कैसे? सबसे पहले आपने देखिए चार पेपर, पहला पेपर मान लो पेपर नंबर 5, पेपर नंबर आपके पास 6, पेपर नंबर आपके पास 7 और पेपर नंबर आपके पास 8, सिंगल ग्रुप में चार पेपर है 8 तक। अब मान लेते हैं आपको पासिंग क्राइटेरिया में हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स लेके आने हैं, तो मिनिमम कितने नंबर लेके आने हैं आपको, 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में गेन करने हैं, और एग्रीगेट और चारों का सम 200 बनना चाहिए, चारों का सम क्या होना चाहिए 200। मैंने कहा अगर पेपर नंबर 5 मेरे 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40 और इसमें भी 40 आ गए, तो 40 कितने हो गए भैया, ये तो 160 हो गए, तो आप फेल माने जाओगे भले ही हर सब्जेक्ट में क्यों ना पास हो, क्योंकि आपका एग्रीगेट नहीं बना। तो दो कंडीशन है पास होने की, पहला हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाने हैं और मिनिमम आपको एग्रीगेट करने के लिए 200 पार करने हैं, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अभी आपको ये पता था क्योंकि ये सारा क्या है फाउंडेशन जैसा है, फाउंडेशन में जो होगा, पर फाउंडेशन में एक बात नहीं पता आपको, ध्यान सुनना। आपने कहा सर यहां पर 40 आ गए, यहां पर 50 आ गए, मान लेते हैं यहां पर 50 आ गए और यहां पर 40 आ गए, इससे क्या हुआ, इससे हम पास हुए नहीं हुए, 50 और 50 100 और 180 नंबर आए, तो मैं इसको क्या करता हूँ सबको 50-50 कर देते हैं, ठीक है? अब सबको 50-50 कर दिया तो हमारा क्या हो गया 200 आ गया, और जैसे ही 200 आए हम पास हो गए, सर ये भी हमें पता था, आगे बात बताओ दूसरी, ठीक है? अब ध्यान सुनना, मैंने कहा सर यहाँ पर 50 आए, यहाँ पर 60 आए, यहाँ पर 50 आए और यहाँ पर 39 आ गए, अब आप बताओ, अब आप क्या करा 200 पार नहीं कर पाए, देखो 200 पार हुए नहीं हुए, 200 पार हो गए सर, ध्यान देना आप, हुए या नहीं हुए चेक करो, 200 पार हुए सर, यहाँ पर ना थोड़ा मैं इसको बदलता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 65, अब यहाँ पर ना 204 नंबर हो गए, क्या आपके हर सब्जेक्ट में कितने नंबर है 40 से ऊपर, पर इस सब्जेक्ट में हम नहीं ला पाए, इस सब्जेक्ट में हम 40 नंबर नहीं ला पाए और हमारा 200 पार है, मतलब एक सब्जेक्ट में, तो आप पूरा फेल माने जाओगे और सारे पेपर आपको दोबारा देने पड़ेंगे, ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे पेपर दोबारा देने हैं, पर वो पेपर छोड़कर जिस पेपर में आपके 60 या 60 से ऊपर आए, 60 या 60 से ऊपर आए, मतलब आपका ग्रुप तो क्लियर नहीं हुआ, ग्रुप वन में फेल माने गए, बट ये जो पेपर नंबर 6 है इसके अंदर आप कितने नंबर लेकर आए, इसके अंदर आप 60 नंबर से ऊपर लिया है या 60 या 60 से ऊपर लिया है, तो ये पेपर आपका एग्जम्प्ट माना जाता है। अब जब दोबारा ग्रुप बंद हो गए तो उसमें ये वाला देना पड़ेगा, ये और ये देना पड़ेगा, तो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। एग्जेम्पशन क्राइटेरिया मतलब अगर किसी भी पेपर में 60 नंबर आए या उससे ज्यादा आ गए, 60 या 60 से ज्यादा आ गए और हम किसी एक सब्जेक्ट में 40 से कम ला पाए, तो हमारा पूरा ग्रुप फेल माना जाएगा, बट वो पेपर छोड़कर जिसमें 60 या 60 से ज्यादा आए उसमें पास माने जाएंगे। जैसे कि मैं एक और चीज बताऊं आपको, इधर देखो मैंने कहा भाई पेपर नंबर 1 में आपके पास 40 आए, यहाँ पर 39 आए, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60 आए, दो में 60 आ गए और आप फेल माने गए क्योंकि एक को एक पेपर के चक्कर में आपको फेल कर दिया गया क्योंकि एक में 40 से कम आए, ठीक है? अच्छा इसको मैं 50 कर देता हूँ क्योंकि फिर कहोगे आप 200 पार भी नहीं हुए तब भी फेल माने गए, अब 200 पार भी हो गए
तब भी आप फेल माने गए, पर ये दोनों पेपरों में क्या हुआ, 60 या 60 से ऊपर आ गए, तो ये पेपर आपको दोबारा नहीं देना, अब आपको दो ही पेपर देना है। क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगली बार क्या हुआ, अगली बार हमने फिर दोबारा, मैं आपको एक पूरा बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा ना हो मैं तो कहता हूं कि एक बार में क्लियर करो सर, मेरी विशेष आपके साथ है, मैं से एक बार में क्लियर करो, बट मैं आपको ना एक पूरा बता रहा हूं सर, एक प्रोसीजर बता रहा हूं जो आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने कहा अगले पेपर में आपके पास 50 आ गए, दूसरे पेपर में आपके पास मान लेते हैं 39 आ गए, पहली बार पेपर दिया ये वाला स्कोर बैठा, मैं दोबारा ग्रुप वन देने गया, मैं वाला स्कोर बैठा, अगली बार पेपर में 50 आ गए, दूसरी बार 39 आ गए, और ये दोनों तो देने ही नहीं है, और फिर जाकर मान लेते हैं आपको फिर 39 आया और फिर फेल हो गए, फिर दोबारा ये पेपर एग्जाम्ट माने जाएंगे, कब, अप टू द 3 अटेम्प्ट तक ये पेपर एग्जाम्ट होंगे जब तक आप पास नहीं हो रहे, बस अब तो दो ही पेपर देने हैं तो उसको तो कोई भी पास कर सकते हैं। देखो ये प्रोफेशनल कोर्स है सर, और प्रोफेशनल कोर्स में पास होना फेल होना लगा रहता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप हमेशा पास हो, मेरी आपके साथ विशेष बहुत है, आप हमेशा पास हो, जो बच्चा मेहनत करता है वो जरूर पास होता है, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि यहाँ पर फेल होना भी लगा रहता है सर, यह आपको ध्यान रखना है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि यहाँ पर फेल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि 100 में से सिर्फ 18 बच्चे पास हो रहे हो तो आप ये देखो सर, 72 बच्चे फेल हो रहे हैं, आप समझे, यहाँ पर फेल ज्यादा होते हैं और पास कम होते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज को डिफाइन कर रहा हूँ। तो एग्जम्पशन क्राइटेरिया पता चले, यहां तक क्लियर हो गया, तो ये हो गया सिंगल ग्रुप वालों के लिए, अगर जो ग्रुप वन दे या ग्रुप टू दे तो हमें हर सब्जेक्ट में कम से कम हर सब्जेक्ट में हमें 50 लाने, जिससे 200 पार हो सके, और किसी एक दो सब्जेक्ट में ज्यादा भी लाएंगे तो हमारा एग्जम्पशन सिक्योर हो जाएगा। अगर हम पेपर फेल भी होते हैं तो वो पेपर जिसमें 60 से ज्यादा नंबर आए हैं उस पेपर को हमें दोबारा नहीं देना पड़ेगा, बाकी रिमेनिंग पेपर देने पड़ेंगे अप टू द टाइम ऑफ 3 अटेम्प्ट, ठीक है, यहां समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं उन दोस्तों के लिए जो ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों एक साथ दे रहे हैं, उनको एक अलग बेनिफिट मिलता है, बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंस्टीट्यूट एक अलग बेनिफिट देता है बोथ ग्रुप स्टूडेंट, दोनों ग्रुप स्टूडेंट के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लो आपने पेपर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये आपके पास पेपर है, ठीक है सर, ये आपके पेपर है। मैंने कहा सर यहां से देखना हमें हर एक दोनों ग्रुप में कितने नंबर लाने हैं, दोनों ग्रुप में हमें मिनिमम स्कोर 200 करना है, देखो 400 नंबर का पेपर है, मिनिमम कितना करना है सर, हमें मिनिमम 200 स्कोर करना है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर देखो ध्यान सुनना पहली बात है, मैं बेसिक से ले चल रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैं सारी पॉसिबिलिटी को बताने जा रहा हूँ। पहले आपके पास 50 नंबर आए, दूसरे में आपके पास 60 नंबर आ गए, फिर 50 नंबर आए और फिर 60 आ गए, देखो यहाँ पर आपके 200 पार हो गए, 60 और 60 आपके पास 120 और 220 नंबर बैठ गए, यहाँ पर कितने बैठ गए सर, 220 बैठ गए। फिर यहाँ पर आपके पास आए, एक में 39 आ गए, एक में 40 आ गए, एक में 50 आ गए और एक में 50 आ गए, तो यहाँ पर नहीं बैठ पाए 200 और ये एक के चक्कर में पूरा ग्रुप फेल हो गया। चलो ग्रुप टू तो फेल हो गया, मान लेते ये ग्रुप टू है और ये ग्रुप वन है, ग्रुप वन में आप क्या हो गए, ग्रुप वन में पास हो गए, ग्रुप वन में 200 पास हो गए और ग्रुप टू में आपको क्या हो गया, फेल हो गए, है ना, ऐसा हो गया, ग्रुप वन में आप पास हो गए, ग्रुप टू में क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ पर जो नंबर बैठे वो कितने बैठ गए, 179 नंबर यहाँ पर बैठ गए और आप ग्रुप टू में क्या हो गए, फेल हो गए, तो आपका ग्रुप वन पास माना जाएगा। ये समझ में आ गया, मतलब अगर दोनों ग्रुप आपने दिए और दोनों ग्रुप देने के बाद आपने ग्रुप वन में 200 पार कर लिए या 200 लिया है और ग्रुप टू में 200 नहीं आ पाए या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ग्रुप वन आपका क्लियर मान लिया जाएगा और ग्रुप टू का पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। एक सिचुएशन ये आ जाती है कि बच्चा एक ग्रुप में पास रहता है दूसरा ग्रुप में रह जाता है। दूसरी बात आपके यहाँ पर 39 आए, यहाँ पर आपके पास 60 आए और यहाँ पर 50 आए, यहाँ पर आपके पास 40 आ गए तो ये ग्रुप फेल माना गया, और आपके पास यहाँ पर अगर 40 आ गए, यहाँ 50 आ गए, यहाँ पर 60 आ गए, यहाँ 60 आ गए तो ये ग्रुप आपका पास माना गया। तो आपने दोनों ग्रुप दिया, आपने ग्रुप वन में फेल हो गए, ग्रुप टू में पास मान दिया जाएगा क्योंकि ग्रुप टू के 200 पार आ गए। एक सिचुएशन ये राइज हुई, दूसरी सिचुएशन क्या आ गई, तो यह तो हो सकता है ग्रुप वन में पास हो गए या ग्रुप हो गए, तो एक बेनिफिट है, चलो बोथ ग्रुप दे भी दिया तो क्या पता एक ग्रुप क्लियर हो जाए और एक ग्रुप फेल हो जाए, बट यहाँ पर एक घाटा ये है कि आपका फेल का कलंक लग जाता है आपके पास कि मतलब एक बार आप अटेम्प्ट फेल हो गया, बस ये रहा है बस, बाकी एक ग्रुप क्लियर हो गया था अच्छी बात है, दोनों हो जाए तो रैंक भी आ सकती है सर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जरा आपको मैं एक बेनिफिट बता रहा हूँ आपको ग्रुप फोर दोनों के लिए,
मैं कह रहा हूं कि देखो एक बच्चे के यहाँ 60 आए, एक बच्चे के यहाँ पर 60 आए, एक बच्चे के यहाँ पर 70 आ गए और एक बच्चे के यहाँ 70 आ गए, मतलब काफी अच्छा स्कोर करा ग्रुप टू ग्रुप वन में उसने। और कितने बैठ गए जरा बताना सर मुझे, कितने हो गया सर यहाँ पर, कितना बैठ गया? 260 बैठ गए, 6 और 6 12 हो गए, 7 और 7 14 हो गए, 4 और 2 6 260 नंबर आ गए। बहुत अच्छा स्कोर करा, 260 नंबर आ गए सर। अब जरा ध्यान सुनना, एक 40 नंबर आए, 40 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर, यहाँ कितने रह गए? 160। यहाँ कितने रह गए सर? 160। और अब यहाँ पर 260 बने, यहाँ पर 160 बने, यहाँ तो आप पास माने गए, यहाँ पर आप फेल माने गए क्योंकि यहाँ पर 200 से कम हुआ, यहाँ पर भी पास कर दिया जाएगा आपको। सर ये क्या, ये कैसे समझ नहीं आया सर, दोबारा बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों, अब कंडीशन देखना, तीसरी कंडीशन क्या लगे ग्रुप, बहुत ग्रुप वालों के लिए, अगर आपके एक ग्रुप में 260 नंबर है और पास होने के लिए कितने चाहिए 200, तो एक्स्ट्रा कितने नंबर है? एक्स्ट्रा नंबर आपके पास 60 है, तो ये 60 नंबर ग्रुप इसमें जोड़ दिया जाएगा और 60 यहां पर जैसे ही जुड़े 6 और 6 12 और 220 नंबर यहां हो गए तो इसको भी पास मान दिया जाएगा। कितना अच्छा बेनिफिट है बोथ ग्रुप वालों के लिए, अगर एक ग्रुप में अच्छा स्कोर हुआ और एक ग्रुप में रह गए मतलब एग्रीगेट नहीं बना। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं कि हर सब्जेक्ट में पास होना कंपलसरी है। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर आपके 39 आ गए ना, तो सब में फेल होगा, भले ही ये एग्जेम्पशन यस का बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये बेनिफिट कब मिलेगा कि पहले ग्रुप में आपके बहुत अच्छे नंबर आए। मान लो बच्चे कैसे पास होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ग्रुप वन में 205 नंबर आते हैं और ग्रुप टू में 195 रह जाते हैं, तो दोनों ग्रुप मिलाकर 400 हो गए, 800 में से हो गया बुल सुपार, पास माने गए। देखा आपने ग्रुप टू में 195 एग्रीगेट ही बना, बट ये ग्रुप 195 कब हो गया? इसमें चारों सब्जेक्ट में पास होना, 40-40 नंबर आने चाहिए, क्लियर है? ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो मतलब अगर आप किसी एक ग्रुप में मेहनत कर रहे हो और दूसरे ग्रुप में 40-40 भी ला रहे हो, मतलब आपने यहाँ पर 250 लिया है और यहाँ दूसरे ग्रुप में सिर्फ 150 ही आए, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ये एक बेनिफिट है ग्रुप टू वालों बच्चों के लिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जिससे बहुत बच्चे पास होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे पास होते हैं इस बेनिफिट से, ठीक है? तो अगर आपने एक ग्रुप में अच्छा स्कोर करा है और दूसरे ग्रुप में थोड़ा कम रह गया, एग्रीगेट नहीं पर हमने पास तो कर लिया सारा सब्जेक्ट, देखो पास होना कंपलसरी है, यहाँ पर 150 नंबर लाने का पर्पज क्या है? सब में 40 आने चाहिए, अगर 40 नहीं आए ना सब में तो आपको फेल कर दिया, तो 150 तो आएंगे नहीं किसी हालत में, 4 4 तो 116 60 हो गए, तो 160 तो मिनिमम आने चाहिए 40 40 40 करके, ठीक है? तो आपको पास मान लिया जाएगा, उसका जो एक्स्ट्रा आया है 200 वो उसमें जोड़कर उसको पास कर दिया जाएगा, क्लियर है? तो मतलब मेनली क्या है ग्रुप फोर दोनों बोथ ग्रुप वालों के लिए, बोथ ग्रुप वालों के लिए मेनली है कि आपको 800 में से 400 नंबर लाने हैं और सब्जेक्ट में पास होना है, बस कैसे भी लिया दोनों ग्रुप में मिलाकर 400 लिया पर हर सब्जेक्ट में 40 आना कंपलसरी है, मिल गया बेनिफिट? तो ऐसे बच्चे बोथ ग्रुप देकर बहुत आसान, ये आपको बेनिफिट नहीं पता था फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए, बस मैंने आपको बेनिफिट प्रोवाइड करा, ठीक है सर? अच्छा इस बारे में बताकर, ठीक है आगे हमने बताया क्या 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 देख लिया हमने, आगे हमने देख लिया है कि देखो सर हमने आगे आगे बने रहे मेरे साथ, हम आपको बात करने जा रहा हूं। पहले तो हमने कहा एक ये देख लिया पासिंग क्राइटेरिया, हमें 200 पार करना है सिंगल ग्रुप में, और एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में हम पढ़ चुके हैं, देख रहे हो आप कि अगर 60 आ गए तो हमें दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, अब दोनों ग्रुप में मिलाकर 400 आने चाहिए, 205 एक में 195 रह गए पर सब में पास थे तो पास कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन क्राइटेरिया फॉर सिंगल एंड बोथ ग्रुप। अब हमें कह रहा है क्या क्या हम सिंगल ग्रुप दे क्या बोथ ग्रुप, तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैन आई गिव सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, क्या मैं सिंगल ग्रुप दू बोथ ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। देखो दोस्त सबसे बेहतरीन बातें मैं आपको एक चीज बता दूं, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं सिंगल और बोथ ग्रुप, पहले आप पढ़ो सर, पहले आप पढ़ो, हवा में नहीं बोला करते कि हम तो बोध देंगे, ठीक है हम तो सिंगल हम तो बोध देंगे और बोध की तैयारी एक बार एक अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे और सीधा फाइनल पहुंचेंगे, सर आसान नहीं है, सर आसान नहीं है बोध ग्रुप देने के लिए, बोध ग्रुप देना आसान नहीं है सर, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं आसान नहीं है, मैंने कहा इम्पॉसिबल नहीं बोला, मुश्किल नहीं है पर आसान भी नहीं है। ध्यान सुना सर मैं क्या कह रहा हूं, मैं उन बच्चों को कहूंगा बोध ग्रुप देने के लिए जो ये मेरी बातें ध्यान सुनेगा, सिंगल तो देना ही पड़ेगा ये तो नॉर्मल है, मैं बात कर रहा हूं कि भैया बोध दे या ना दे, सिंगल तो देना ही है, मैं बात कर रहा हूं कि बोध ग्रुप दे या ना दे बोध ग्रुप। अब मान लेते हैं आपके 21 फरवरी को रिजल्ट आता है सर और आप पास हो गए, थोड़े दिन आपने मजे मस्ती करे और आपका 1 मार्च आ गया, मार्च से लेकर नवंबर ले रहा हूं, नवंबर मार्च से लेकर क्या ले रहा हूं सर नवंबर, ठीक है 30 नवंबर तक ले रहा हूं क्योंकि दिसंबर में आपके पेपर स्टार्टिंग हो जाते हैं, अब तो 10 से तारीख पेपर स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर में,
मार्च से लेकर नवंबर कितने महीने जनगणना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो टोटल 10 महीने हो गए। ठीक है, कितने महीने हो गए, तो टोटल 9 महीने हो गए, 9 मंथ। ठीक है सर, अब आप ना क्या करना, ध्यान सुनना, 4 महीने के अंदर, देखो ये जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं सर, सबसे पहले रियलिटी क्या चीज की है कि 4 महीने के अंदर एक ग्रुप के 4 पेपर के कोर्स को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। मैंने क्या बोला, 4 मंथ के अंदर, 4 महीने के अंदर हम मान लो ग्रुप 4 पढ़, ग्रुप 1 पढ़ लेंगे, ऐसे बच्चे सोचते हैं कि 4 महीने में ग्रुप 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और 4 महीने के अंदर फिर बाकी ग्रुप 2 का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे में दोनों ग्रुप 2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया और नवंबर वाले महीने में हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे और दिसंबर पेपर दे देंगे। सर ये लग तो आसान रहा है आपको, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रुप 1 का जो इंटरमीडिएट का जो कोर्स है वो खुद सर मिनिमम 6 महीने में होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ो, मतलब जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, कोई सर कोई टीचर 4 महीने में भी करा देते हैं, ठीक है, तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा सर, 4 में 6 में कोई 8 में भी कराता है सर, जो 8 में कराते हैं वो टाइम लेके कराते हैं, बेस्ट कराते हैं, मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ, जो 4 महीने में कराते हैं वो भी बेस्ट कराते हैं, वो भी बेस्ट कराते हैं, बट जल्दीबाजी से होता है क्योंकि हमें उनकी भी गलती नहीं है सर, किसी की गलती नहीं होती, इसके किसी टीचर की उनको भाई जल्दी करवाना है। अब आपका ऐसे तो भाई भूल जाना, क्या ऐसा होगा कि पहले 4 महीने तो हम ग्रुप 1 पढ़ ले और दूसरे 4 महीने हम ग्रुप 4-2 पढ़ ले और पेपर दोनों पढ़ ले, तो ध्यान समझना, जब आप, मैं आपको बता रहा हूँ गलती कहाँ कर, क्यों बच्चे फेल होते हैं बोथ ग्रुप का, सोचते हैं कि बोथ ग्रुप देंगे, इतना हो नहीं पाता और देख के आ जाते हैं और फेल का कलंक लगा लेते हैं। ठीक है, फेल का कलंक लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में आगे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सर फेल होने से बचो ना, क्यों होना, क्यों बर्बाद कर रहे हैं 6 महीने। ध्यान सुनना कि 4 महीने आपने दिया, आप कैसे सोचे 4 महीने आप ग्रुप 1 पढ़ेंगे, ग्रुप 1 बनेगा 4 चौथे महीने के बाद ग्रुप 2 स्टार्ट करेंगे। पहले तो बात तो कह रहा हूँ भाई 4 महीने तो लगेंगे ही नहीं 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने में, बहुत बड़ा सिलेबस, मतलब बहुत ज्यादा वाइड सिलेबस है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, 4 महीने तो लगेंगे। अगर कर भी लिया, अगर 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया आपने, तो ग्रुप 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैं कहता हूँ आपको, कम से कम मान लो आपने सुबह 8 बजे से कोचिंग गए, 8 से 2 आपने पढ़ा घर पे, 8 से 2 आपने घर पे पढ़ा। ठीक है, अब ये तो कोचिंग क्लासेस है, ये तो कोचिंग क्लासेस, आपको कोचिंग में पढ़ना, कम से कम 2.5 घंटे की क्लासेस होती है, ब्रेक होता है फिर 2.5 घंटे की क्लासेस, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा कम से कम 6 घंटे आने जाने का, और आप घर पे पहुंचोगे करीब 3 बजे। मान लेते हैं कि सुबह 8 बजे मॉर्निंग में निकले हैं और 3 बजे घर पे आ रहे हैं, तो कोचिंग का हुआ। अच्छा अब इसकी सेल्फ स्टडी भी तो करोगे घर पे, जो होमवर्क मिलेगा वो भी तो करोगे। अच्छा पढ़ने का भी क्या, कोर्स कंप्लीट करना है और हम होमवर्क ना करें, फिर 3 बजे से मान लेते हैं आपने होमवर्क करना चालू करा और आपके पास रहें, ठीक है 3 बजे आपने होमवर्क करा, तो मैंने कहा भाई जैसे तैसे आपने 4 महीने निकाल दिया और ग्रुप 4 का कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो, अगर आपको नहीं पसंद आया तो मत अप्लाई करना सर, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लो, मैं आप क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती है वो बता रहा हूँ। 4 महीने में आपने कोर्स कंप्लीट करा, अगले 4 महीने में अब देखो, जब ये वाला चालू करा 8 से 2 3 बजे घर पे आए, तो इसका भी पढ़ाई करना पड़ेगा और साथ में उसका भी करना पड़ेगा, क्या इतना आपके पास, क्या इतना आप पढ़ सकते हो? अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप दिन के अगर जिस बच्चे को कोई अदर काम नहीं है, कोई बच्चा मान लो ट्यूशन पढ़ाता है, अगर वो ना पढ़ा रहा है, कोई फ्री बैठा हुआ है घर पे फ्री है और उसको बस ये करना है कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे बस पढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं करना, ना मुझे खेलना है, ना खेलने तो बड़े हो गए, ना मुझे मोबाइल चलाना है, फालतू की ज्यादा चीजें नहीं करनी, ना मुझे टाइम वेस्ट करना है घूमने फिरने में, मुझे बस पढ़ना है, भाई बोथ ग्रुप 2 और एक बार में क्लियर करो और सारा निकालो। बट ना सुनो मेरी बात, हर चीज का पढ़ना सोल्यूशन पढ़ेंगे करके निकल जाता है, पहले आपने ये एक महीना अप्लाई करो। मैं आपको 3 बजे के बाद अगर आप दिन के 4 घंटे और 4 से 5 से मतलब 5 घंटे मिनिमम 5 घंटे की आप घर पे खुद की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद की सेल्फ स्टडी, ऐसा मेरे सर कहते थे सर अगर आप बोध ग्रुप दे रहे हो ना, तो बोध ग्रुप देने का पर्पज, वो बच्चा बोध ग्रुप तभी पास कर पाएगा जब वो खुद की 5 घंटे की सेल्फ स्टडी घर पे कर रहा है, मतलब खुद 5 घंटे सेल्फ स्टडी। और कैसे पास कर पाएगा मैं आपको बताता हूँ, बोध ग्रुप कैसे पास होता है, बोध ग्रुप सर ऐसे पास होता है, सुबह 8 बजे से ग्रुप 1 की कोचिंग लगाई, फिर 8 से 2 दो सब्जेक्ट करें, हमारे पे MWF होता है और TTS होता है ना, यही दो होते हैं MWF। अब जरा ध्यान सुना, 8 से मान लो 8.5 से 9 मेनली 8.5 से क्लास होती है, 8.5 से 11.30 एक क्लास गई, 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पे बोध ग्रुप के लिए, 8 है, ध्यान सुना कैसे होगा, 8.5 से 11.30
देखना कैसे होता है बोध ग्रुप वाले का मेहनत मेहनत और पास भी करता है सर। बहुत जने बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोध ग्रुप पास होकर रैंक लाते हैं। रैंक भी तो सुना है आपने, तो वो भी तो बोध ग्रुप देंगे। सिंगल ग्रुप वालों के लिए कभी रैंक नहीं होती, बोध ग्रुप वालों को भी रैंक होती है। मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ बोध ग्रुप के लिए भी, और आपको पूरी बात बताता हूँ। डिसीजन आपका है, डिसीजन सर आपका है। मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे कैसे उन जिस पर्सन ने टॉप 50 में रैंक लाया है, जिस बच्चे ने बोध ग्रुप देकर पास करा है सर, उनकी मेहनत देखना कैसी है। उनकी मेहनत यह है कि सुबह वो जाते थे, मॉर्निंग में निकलते थे घर से 8:30 बजे और पहले 2.5 घंटे पढ़ते थे एक सब्जेक्ट, ठीक है, पहला सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा। उसके बाद ब्रेक आता था, ब्रेक के बाद बाकी के 12 से 2 फिर पढ़ते थे सेकंड सब्जेक्ट, जो भी टाइम का था। 2 बजे के बाद फिर 3 से 5 पढ़ते थे तीसरा सब्जेक्ट, और 6 से 5:30 से और 8:30 पढ़ते थे चौथा सब्जेक्ट। एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ा करते थे और टीटीएस में भी सेम शेड्यूल, एक दिन में 4, घर पहुंचते थे 9 बजे, ठीक है। ये मेहनत है। बच्चा घर जाकर क्या करता था, ध्यान सुनो, जो टॉप 50 घर जाकर ना जितना पढ़ा उसको बस एक बार रिवाइज करता था, सिर्फ एक बार, उतना ही इनफ रहता है, एक बार रिवाइज कर लेता था। तो 9 बजे के बाद वो फिर खाना बोलता था खाना, फिर वो 10 बजे से खुद बैठता होगा, सर मैंने तो दिया नहीं है बोध ग्रुप, मैं बता रहा हूँ उसकी मेहनत ऐसी होती होगी कि 10 बजे से सर वो भाई भाई बैठता होगा, जो भी बहन बैठती होगी। 10 बजे से बैठने के बाद वो 12 बजे तक उन 4 सब्जेक्ट का जो आज पढ़ा उसका रिवीजन करता था, और सुबह 7 बजे से निकला हुआ बच्चा रात को 9 बजे पहुंचता है और 12 बजे सोकर सुबह फिर 6 बजे उठ जाता है। ऐसे ऐसे 8 महीने करना है। अगर आप 8 महीने ऐसे करते हो, एक बारी में बहुत ग्रुप क्लियर होगा। अब आप डिसाइड करो कि आप ऐसे 8 महीने में कर सकते हो, रोज सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात को 9 बजे घर आना, आने के बाद 9 बजे नहीं 8 बजे आ जाओगे, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 8 तो भैया टाइम लगेगा। 8 बजे घर आना, 8 बजे के बाद फिर 10 से 12 वही चीजें दोबारा रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन रिवीजन क्या कर क्लास लेने जाते हो, उसका बेनिफिट ही नहीं है। फिर भूलते चले जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, ये आपको ही पता है भूलने के जल्दी भूलते हैं पढ़ने के बाद। अगर आप रोज का ऐसा कर सकते, देखो बोध ग्रुप की पढ़ाई ऐसी ही होती है बच्चों, बोध ग्रुप की पढ़ाई ऐसी होती है, ऐसा नहीं होती कि 4 महीने पहले सिंगल ग्रुप दे दे फिर 4 महीने में डबल सिंगल और दूसरा निकाला, ऐसा नहीं हो सकता, कभी होता ही नहीं 4 महीने में कोर्स कंप्लीट, ठीक है। अगर आप रोज एक एक दिन में 4-4 सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, मैं डरा नहीं रहा आपको, आप कर सकते हो, और बच्चे ने भी करा, क्योंकि मैंने आपको बेनिफिट बताया ना, एक में अच्छी मेहनत कर लो, एक में 220 नंबर लिया और बाकी में 180 लिया और पास माने जाओगे, मैं तो कहता हूँ बोध ग्रुप दो और रैंक लेकर आओ। अगर मैं सबको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं आपको जरूर कहूंगा सर आप बोध ग्रुप दे और एक बारी में क्लियर करके फाइनल में पहुंचे। जो बच्चा इंटर ग्रुप 2 में पहुंचेगा आप डायरेक्ट फाइनल में होंगे और रैंक के साथ होंगे, पर इसके लिए मेहनत 8 महीने की करनी पड़ेगी, भूल जाना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे सर मैं नहीं कहता, ऐसे मेरे सर कहते थे जब मैं पढ़ता था, और वो सर कहते थे कि अगर आपको बोध ग्रुप देना ना तो दुनियादारी भूल जानी पड़ेगी आपको, ठीक है सर। तो बोध ग्रुप का डिसीजन आपका है, अगर आप बोध ग्रुप दे रहे तो 8 महीने आपको दुनिया में क्या चल रहा है, शादी किसकी है, भाई की है, बहन के, किसी की भी हो, भूल जाओ। और 8 महीने बाद जब पेपर देने जाओगे तो अगले 21 फरवरी को आप फाइनल का अटेम्प्ट लगा के आओगे, मतलब फाइनल का बोलोगे कि आई एम द फाइनलिस्ट बन गया भाई CMA का, ठीक है। बट ये मेहनत करना आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने जो जोश में कर दिया ना बेटा, तो जो जोश में डियर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, जो जोश करने से नहीं होता, प्रोफेशनल कोर्स है। अभी मैं पासिंग क्राइटेरिया दिखाऊंगा आपका, आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे, सर वहां तो 75% था, यहाँ घटकर सीधा 9 या 8% में आ गया, सर इतना कैसे होगा, होगा, और बच्चे भी तो पास होते हैं, कितने सारे बच्चे CMA बन चुके हैं, उन्होंने भी तो करा है, आप भी करोगे, ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स की वैल्यू है सर, बीकॉम की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किसकी है, प्रोफेशनल लेवल की, मरते दम तक पैसा कमाते हो जाओगे आप, ठीक है। तो बोध ग्रुप का डिसीजन आपका है, मैंने एक आपको सजेशन दिया, अगर आप इतना पढ़ सकते हो, अगर मैं कह रहा हूँ घर पे आप ऐसा कर सकते हो, आप मान लो आपने थोड़ा 2-2 घंटे की कोचिंग लगाई, आप 7 बजे भी घर पहुंचते हो और आपने 2 घंटे भी आपने सेल्फ स्टडी कर ली, तब भी आप बोध ग्रुप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप 4-4 महीने, फिर आपको टाइम कितना मिल जाएगा, फिर 6 महीने में कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा, फिर 2 महीने आप रिविजन कर सकते हो और आप पूरा 8 सब्जेक्ट का रिविजन करके निकाल सकते हो। पर आप एक बार पढ़कर देखना सर, सब्जेक्ट भी मुश्किल, सब्जेक्ट भी आसान नहीं है, मुश्किल है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि आप क्या कर सकते हो, बोध ग्रुप कर सकते हो, जो जोश में मत करना, डिसीजन पूरा लो, पहले आप पढ़ो एक चीज, एक बार ढंग से पढ़ो कि क्या हमारा सब्जेक्ट का कंटेंट है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, अलग अलग टीचर से डिस्कशन करो कि भाई हम दे भी सकते हैं, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। हाँ, जोश में अगर टीचर कह रहे हैं कि हाँ दे दोगे, पर आप भी देखो कि आपके पास इतनी एबिलिटी है पढ़ने की,
क्लियर है। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी यहाँ पर कि बोध ग्रुप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। बाकी अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे को अब मेनली जो पढ़ना है, मेनली जो बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है, वो बात करनी है कि हमारा जो रिजल्ट का पासिंग क्राइटेरिया है सर, रिजल्ट का वो क्या है। देखो हमने ये हमने डिस्कस कर लिया इस बारे में डिस्कस कर लिया, पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, पास परसेंटेज हमें ये डिस्कस करना है। कैन आई ग्रुप बोथ ग्रुप, मैंने आपको बता दिया कि सर अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बोथ दो, ये हमने डिस्कस कर लिया। सर हम कोचिंग क्लास लगाए या फेस टू फेस क्लासेस लगाए, ये बात कर लेता हूं मैं आपसे कि सर ऑनलाइन क्लासेस ले या फेस टू फेस। सर ऑनलाइन क्लासेस भी सही रहती है, फेस टू फेस भी बेस्ट है, हर दोनों में चीजों में अपने आप में बेस्ट है। आप देखो कि आपका जो दूर, आपको दूर जाना, देखो कोई बच्चा वहीं पर रहता है जहां उसका इंस्टीट्यूट है, तो मैं कहूंगा सर फेस टू फेस ले ले भाई, क्यों, फायदा उसमें है कि आप अच्छे टीचर से प्रॉब्लम, देखो सर प्रॉब्लम नहीं आती। आप कहोगे सर ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम कैसे पूछे, सर बहुत से टीचर है जो प्रॉब्लम आपके लेते हैं, मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली है पर प्रॉब्लम मेरे को आती थी, मैं जरूर पूछता हूँ, मेनली प्रॉब्लम आती भी नहीं है सर, वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है सर, टीचर का नाम मुझसे ना पूछना सर, कौन से टीचर से आपने ली थी ये, मैं ऐसे प्रमोशन नहीं करता। ठीक है, दूसरी बात आपके पास मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए या फेस टू फेस क्लासेस लेकर बेस्ट रहेगा। पहली बात उन दोस्तों के लिए जिनका इंस्टीट्यूट पास में है, जो आप पास में जाकर ले रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट है सर आप फेस टू फेस क्लासेस लो और अच्छे से करो। पर ऑनलाइन क्लासेस उन बच्चों के लिए भी बेस्ट है जिनका ना, मैं कहता हूँ कि एक दिन में जो कन्वेंस लग जाता है वो 100 रुपए का लग जाता है और 8 महीने जाना पड़ेगा, तो एक दिन में 100 रुपए का, तो 30 दिन में कितने का, 3000 का, और 8 दिन में 8 महीने में कितना, 8 + 32 = 24 के तो आपके कन्वेंस में चले जाएंगे। पर इसको भी ध्यान में रखते हुए भाई, सबकी फैमिली बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा रही है ना, तो अपने फैमिली को भी देखकर समझना। देखो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लोगे आप सुबह उठे, पर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में दिक्कत यह है कि आपका अपने मन से चलेगा। फेस टू फेस में क्या दिक्कत, फेस टू फेस में क्या बढ़िया रहता है कि भाई रोज 8 बजे क्लासेज है, बच्चा आएगा नहीं आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डर रहेगा कि भाई जाना नहीं तो भाई आगे नहीं बढ़ा पाएंगे सर। पर ऑनलाइन क्लासेज में अरे यार कल नहीं परसों पढ़ लेंगे यार, क्या दिक्कत है, अपनी तो क्लास है जब मर्जी पढ़ ले। सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में, अगर आप माइंड से सेट हो कि भाई मुझे रोज 8 बजे पढ़ना है, तो ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट फॉर यू। घर बैठे बैठे आप ढंग से पढ़े, 8 बजे सुबह का शेड्यूल बनाए, पर अगर शेड्यूल पे उतर सकते हो तो, क्योंकि सबसे ऑनलाइन क्लासेस तो हर कोई ले लेता है, उसको अप्लाई नहीं कर पाता, कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाता। मेरे साथ भी हुआ है कि मैं अभी कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया था, फिर जल्दीबाजी में कोर्स को कंप्लीट करा, क्योंकि शेड्यूल बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे मन में क्या रहता है कि हम कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हो क्लासेस को। फेस टू फेस में ऐसा नहीं होता, फेस टू फेस में क्या होता है सर कि हमें जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हमें इंपॉर्टेंट काम हो, अगर क्लास छूट गई ना तो अगली क्लास में समझ नहीं आएगा। पर अगर ऑनलाइन क्लासेस आज नहीं मिली ना, अगली क्लास दोबारा देख लो, समझ में आ रहा है। तो ये बेनिफिट भी है, क्या पता आपको कुछ ऐसा अर्जेंट काम है कि आपको जाना होगा, कहीं जाना है तभी, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस भी बेस्ट है कि भाई आज अर्जेंट काम तो चले गए कल देख लेंगे, फेस टू फेस में ऐसा नहीं होगा। तो दोनों बेस्ट है अपने आप से, पर आपको लेना है कि आप क्या कर सकते हो। आपके लिए अगर दूर नहीं पड़ रहा फेस टू फेस, तो आप वहां जाके ले अच्छे से पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी है, कुछ सब्जेक्ट ऑनलाइन ले लो, कुछ सब्जेक्ट फेस टू फेस ले लो, ऐसा कर लो। हाँ ये रहे कि कहीं ना कहीं पैसा कम से कम लगे, जिससे आप अच्छे से क्लियर करो, अच्छी क्वालिटी मिले कॉन्सेप्ट की टीचरों से, और आपको पैसा कम लगे जिससे आप आसानी से पास कर पाओ, ऐसा भी समझना। ठीक है, घर वालों को भी लेकर चलना सर, सारी बात। अब बात आती है कि पासिंग परसेंटेज क्या है, और बात की लास्ट में हमारा पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा, और ये पासिंग परसेंटेज जो रहेगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। क्यों दियर, क्योंकि इस वीडियो में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगा, अभी तक का नहीं पिछले सारे अटेम्प्ट का बताऊंगा कि क्या क्या पासिंग परसेंटेज है। एक सब एक इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, वैसे ही 45 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट ज्यादा टाइम हो गया, हमने इतनी बार सीखी, एक बार और देख लो वीडियो जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा पासिंग परसेंटेज क्या रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू, बाय बाय, टाटा सी।